सो नेक्स्ट होगा मेंसुरेशन का क्वेश्चन रहेगा जो कि ट्रैपीजियम से रिलेटेड है. द एरिया ऑफ ए ट्रैपीजियम इज 34 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड. ओके, तो यहाँ पर एक ट्रैपीजियम होगा दोस्तों, जो कि एक ट्रैपीजियम में जो कि है वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है और इसमें जो कि आपका एरिया जो कि है 34 सेंटीमीटर है और यहाँ पर हम देखें तो एक साइड का जो कि पैरेलल साइड है 10 सेंटीमीटर एंड इसका हाइट भी आपका दिया गया है जो कि 4 सेंटीमीटर हाइट है. तो अनदर पैरेलल साइड जो कि यहाँ पर आपका पूछा गया है उसका लेंथ. तो एरिया ऑफ ट्रैपीजियम का जो कि फार्मूला होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई एच. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका हम एरिया ऑफ द ट्रैपीजियम के 34 हाफ, यहाँ पर हम एक साइड का जो कि है 10 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर हम अनदर साइड को बी ले लेते हैं, मल्टीप्लाई जो कि आपका एच होगा जो कि हाइट जो कि 4 है. तो यहाँ पर हम निकाल सकते हो, यहाँ पर हम देख लेते हैं क्योंकि 34 इक्वल टू यहाँ पर आपका 2 से 2 यहाँ पर आपका कट गया है तो 10 प्लस बी मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका होल मल्टीप्लाई 2. तो 2 से यहाँ पर आप कर सकते हो 17 हो जाएगा ऐसे हम कटेंगे तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 17 माइनस 10 ये आपका b यहाँ पर रह जाएगा तो 7 यहाँ पर आपका आ जाएगा b. तो अनदर जो कि आपका साइड होगा पैरेलल साइड जो कि 7 यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर में, ठीक है 7 सेंटीमीटर में यहाँ पर आपका आ जाएगा. तो आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे रहेगा तो ये आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा अनदर पैरेलल साइड. आया समझ. नेक्स्ट रम्बस से जो कि रिलेटेड होगा. द डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो रम्बस में जो कि यहाँ पर आपका रहेगा तो ये रम्बस होगा. तो रम्बस का जो कि है डायगोनल्स जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है दोनों डायगोनल्स. तो डायगोनल्स जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो D1 इक्वल टू 7.5 एंड D2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है. तो एरिया जो कि यहाँ पर आपका रहेगा एरिया ऑफ द रम्बस हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2. तो डायरेक्ट फार्मूला होगा तो हाफ मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 12 होगा तो 6 में यहाँ पर आपका कट जाएगा 6 5 30 यहाँ पर आपका 0.67 42 प्लस 3 जो कि हो रहेगा 45. ओके, तो 45.0 होगा जो कि आंसर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर इसका एरिया ऑफ द रम्बस. आया समझ. तो यहाँ पर आपका देख सकते हो कि इसका एरिया का फार्मूला हो गया, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो और पिछले क्वेश्चन में जो कि आपका ट्रैपीजियम का था उसको भी आप याद रख सकते हो. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन रहेगा जो कि रम्बस से ही रिलेटेड है दोस्तों. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ ए रम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द डायगोनल्स 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स. तो यहाँ पर रम्बस रहेगा. ओके, रम्बस में जो कि यहाँ पर आपका साइड जो कि है 6 सेंटीमीटर. तो रम्बस क्या होता है कि सारे साइड जो कि है रम्बस का सेम रहता है, ठीक है. और यहाँ पर हम देखेंगे तो अल्टीट्यूड जो कि इसका हाइट रहेगा, इसका हाइट जो कि रहेगा 4 सेंटीमीटर इसका हाइट है. ओके, और वन जो कि डायगोनल्स भी यहाँ पर आपको दिया गया जो कि 8 सेंटीमीटर एक डायगोनल भी आपको दिया गया है, ठीक है. तो यहाँ पर आपको पूछा गया लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स. तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एरिया ऑफ द रम्बस जो कि होगा आपके पास जो कि एक अल्टीट्यूड होगा, हाइट होगा एंड बेस का जो कि है बेस मतलब यहाँ पर आपका ये वाला बेस होगा और अल्टीट्यूड आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर. तो एरिया यहाँ पर हम निकाल सकते हो. तो एरिया ऑफ रम्बस क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड. तो बेस यहाँ पर आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि सारे साइड जो कि यहाँ पर आपका सेम है. तो अल्टीट्यूड जो कि यहाँ पर हम आपका 4 दिया गया है तो बेस 6 मल्टीप्लाई 4 यहाँ पर आपका होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि यहाँ पर आपका रम्बस का एरिया आ जाएगा. उसके बाद जो कि आप एरिया ऑफ द रम्बस जो कि ये वाला फार्मूला आप निकाल सकते हो, इससे जो कि आपका अदर डायगोनल्स का जो कि है लेंथ आ जाएगा. तो इसमें हम देखेंगे तो हमें जो कि यहाँ से एरिया तो आ चुका है 24 इक्वल टू हाफ
D1 जो कि यहाँ पर दिया गया है 8 एंड D2 यहाँ पर आपका पूछा गया है। तो D2 आप निकाल सकते हो 8 3 24, तो D2 यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका आ जाएगा। आया समझ? ओके, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो कि 6 सेंटीमीटर आ जाएगा D2 का लेंथ। ओके, नेक्स्ट होगा ये आपका क्यूब का क्वेश्चन होगा। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर। ओके, तो एक क्यूब रहेगा, तो क्यूब जो कि आपका ऐसे स्क्वायर से बना हुआ है। ओके, तो इसका जो कि साइड है जो कि आपको पूछा गया है, सरफेस एरिया यहाँ पर आपका दिया गया है। सरफेस एरिया जो कि यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका 6a² होता है इसका सरफेस एरिया, ठीक है, जो कि टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर आपका 6a² होता है। तो ये आपका दिया गया है 6a² इक्वल टू 600 सेंटीमीटर² दिया गया है। तो यहाँ पर आपका 6 यहाँ पर आप कर सकते हो 100, ये आ जाएगा a² इक्वल टू 100, तो a इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका फाइनल साइड यहाँ पर आपका पूछा गया है, तो a जो कि यहाँ पर आपका साइड होगा तो 10 सेंटीमीटर इसका साइड आ जाएगा क्यूब का। ओके, सो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट जो कि आपका क्यूबॉइड से रिलेटेड होगा। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर। ओके, तो क्यूबॉइड जो कि यहाँ पर आपका होगा दोस्तों, जो कि रेक्टेंगल से बना हुआ होगा। ओके, तो ऐसे कुछ होगा। तो यहाँ पर जो कि आपका बेस एरिया जो कि आपको दिया गया है, तो बेस एरिया के लिए यहाँ पर आपका क्या क्या दिया होगा, तो ये वाला जो कि आपका बेस एरिया रहेगा नीचे वाला पार्ट, तो यहाँ पर आपके पास जो कि एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा, तो आप बेस एरिया निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है 180, बट यहाँ पर आपका वॉल्यूम भी आपको गिवन है एंड यहाँ पर आपका हाइट पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड जो कि होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। ओके, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम का फार्मूला लिखते हैं, तो वॉल्यूम का जो कि फार्मूला होगा दोस्तों लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ओके, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम जो है 900 सेंटीमीटर³ है, बट यहाँ पर हम देखेंगे तो बेस एरिया जो कि आपका रहेगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो ये आपका 180 है, तो यहाँ पर आप हाइट निकाल सकते हो। तो हाइट यहाँ पर आपका आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, तो हाइट इक्वल टू 90 / 18 इक्वल टू 5, ठीक, तो इसका हाइट आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आया समझ ये क्वेश्चन आपको? ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 इसका हाइट का लेंथ आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो कि सिलेंडर से रिलेटेड होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 m³ एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर होगा दोस्तों, तो एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम यहाँ पर आपका दिया गया है 1.54 m² एंड इसका जो कि बेस का जो कि डायमीटर होगा ये है 140 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो डायमीटर जो कि है 140 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस क्या आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको जो हम जो है कन्वर्ट करेंगे दोस्तों जो कि मीटर में, तो 70 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय यहाँ पर हम करेंगे 100 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.7 मीटर जो कि यहाँ पर आपका रेडियस आ जाएगा 0.7 मीटर। ओके, तो इससे इसमें हम हाइट निकाल सकेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? π r² h होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो ये आपका दिया गया है 1.54, ठीक है। तो पाई की जगह हम यूज करेंगे, इसका वैल्यू जो कि है 22/7। ओके, तो r का वैल्यू जो कि हमें दिया गया है, जो कि हम निकाले हैं 0.7, इसका जो कि स्क्वायर लेंगे r² है, मल्टीप्लाई एच हमें निकालना है इक्वल टू 1.54 होगा। तो एच जब हम निकालेंगे तो ये वाला पार्ट जो कि है नेक्स्ट साइड जाएगा,
तो एच का वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 1.54 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। तो यहाँ पर हम इसको देखो, यहाँ पर आपका पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो यहाँ पर आप सारे जीरो जो कि यहाँ पर आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, सारे कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इसको हम मिटा लेते हैं। ओके, तो 154 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 ऐसे कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 7 से 7 कट जाएगा, इसमें आप कर सकते हो 7 2 14 तो 22 से 22 यहाँ पर आपका कट जाएगा, तो आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आपका हाइट जो की है 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है, आया समझ। ओके, तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका रहेगा सोल्यूशन। तो हाइट यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते थे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का जो कि फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा। ओके, तो ऑलरेडी हम आर का वैल्यू निकल चुके हैं जो कि 0.7, ठीक है, 0.7, तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो आर स्क्वायर की जगह 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। ओके, तो एच का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ए साइड चला जाएगा, तो ऐसे कुछ डिवाइड होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 मीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, नेक्स्ट जो कि यहाँ पर आपका रहेगा कोन से रिलेटेड होगा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ़ इट्स स्लेंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो यहाँ पर एक कोन रहेगा, कोन का जो कि यहाँ पर आपका स्लेंट हाइट जो कि है एल होगा, तो एल जो कि यहाँ पर आपका है 21 मीटर यहाँ पर आपका दिया गया है, एंड इसका जो कि बेस का जो कि डायमीटर है यहाँ पर आपका है 24। ओके, तो यहाँ पर आप रेडियस निकल सकते हो, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 12, 24 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका रेडियस आ जाएगा, तो 12 होगा। तो यहाँ पर आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एल जो है 21 है एंड रेडियस जो कि है 12 मीटर आ गया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन का जो कि फार्मूला होता है पाई आर मल्टीप्लाई एल प्लस आर होगा, इसका जो कि फार्मूला है ये। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो 22/7 जो कि पाई का वैल्यू है, आर का वैल्यू है यहाँ पर आपका 12 है, एल का वैल्यू यहाँ पर आपका 21 मल्टीप्लाई फिर आर का वैल्यू है 12। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 22/7 मल्टीप्लाई 12, इन दोनों को ऐड करने से यहाँ पर आपका आ जाएगा 33, ठीक है। तो सभी को यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय यहाँ पर आप 7 होगा, तो आंसर में यहाँ पर आपका आ जाएगा 1244.57 meter square यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको फार्मूला देखना है, जैसे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन जो कि रहेगा पाई आर मल्टीप्लाई एल प्लस आर जो कि यहाँ पर आपका फार्मूला होगा, ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट यहाँ पर आपका फार्मूला बेस में सारे क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका जो कि स्पीयर से यहाँ पर आपका रहेगा मेंसुरेशन का, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्पीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर आपका पूछा गया है रेडियस, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर जो कि रहेगा 4πr² सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला होगा, तो इक्वल टू 154 हो जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पर आपको रेडियस पूछा गया है, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 4π, तो पाई का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं। ओके, तो r इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 4, तो पाई का वैल्यू यहाँ पर आपका 22/7, तो मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाई 7 होगा, तो ऊपर जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आप कट कर सकते हो, जैसे कि 2 से यहाँ पर आपका कट होगा, 2 7 14 उसके बाद होगा 2, यहाँ पर आप 2 2 4 काट सकते हो यहाँ पर, उसके बाद जो कि 11 से हम काटेंगे दोस्तों 22 को, 11 2 22 11 7 77, उसके बाद जो कि यहाँ पर आपका कुछ कट नहीं होगा अभी, तो 7 7 49 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो 49 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पर आपका होगा
सो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 4 है, तो आर का वैल्यू यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसका रूट ओवर हो जाएगा आर का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 7/2 हो जाएगा। ओके, तो 7/2 जो कि इसका रेडियस आ जाएगा, तो इसका हम निकालेंगे तो 3.5 यहाँ पर आपका आ जाएगा 7/2 करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेडियस ऑफ द स्क्वायर जो कि रहेगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो समझ में आया दोस्तों ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो सिलेंड्रिकल जो कि वेसल होगा इसका जो कि सर्कमफेरेंस दिया गया है बेस का, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सर्कमफेरेंस जो कि हो जाएगा 2πr, ये दिया गया है 132, तो यहाँ पर हम रेडियस निकाल सकेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका हाउ मैनी लीटर जो कि पूछा गया है टोटल, जो कि यहाँ पर आपका वॉल्यूम पूछा गया है, तो रेडियस हम पहले निकाल लेते हैं तो 132 डिवाइडेड बाई 2π, तो पाई का वैल्यू हम जब पुट करेंगे 22/7 तो मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका ऊपर 7 हो जाएगा, तो इसको जब हम कट करेंगे क्या आएगा देखो, तो 2 से जब हम कट करेंगे 2 6 12 2 6 12 11 6 66 11 2 22, तो यहाँ पर जो कि आपका 2 3 6 यहाँ पर आप कर सकते हो, तो रेडियस आ जाएगा 21 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा रेडियस। उसके बाद जो कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो कि यहाँ पर आपका फार्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो यहाँ पर हम निकाल सकेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर जो कि हम निकाले हैं 21 का स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई जो कि यहाँ पर आपका होगा हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि 25 है मल्टीप्लाई 25, तो यहाँ पर जब हम करेंगे इसका जो कि आंसर आएगा 34,650 जो कि है इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, बट यहाँ पर जो कि हम लीटर में जब लिखेंगे इसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 34,650 डिवाइडेड बाय 1000 यहाँ पर हम जब करेंगे तो यहाँ पर आपका लीटर में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 34.65 लीटर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। सो नेक्स्ट होगा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक हेमिस्फेरिकल जो कि है बाउल है, तो यहाँ पर जो कि है कितना पानी यहाँ पर मिल्क जो कि है ये होल्ड करके रख पाएगा, जबकि इसका जो कि डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर है 10.5। तो यहाँ पर हम इसका रेडियस पहले निकालेंगे तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2 2 5 10 पॉइंट यहाँ पर आपका आ जाएगा 25, तो 5.25 जो कि यहाँ पर आपका आ जाएगा इसका रेडियस। उसके बाद जो कि इसका हमें क्या निकालना है वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो स्पीयर का जो कि आपका वॉल्यूम का फार्मूला होता है दोस्तों 4/3 πr³, ये आपका स्पीयर का होता है, बट यहाँ पर आपका हेमिस्फीयर है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका रहेगा 2 2 जा यहाँ पर आपका 4 कट जाएगा ऐसे, तो 2/3 πr³ इसका जो कि फार्मूला होगा हेमिस्फीयर का, यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर जो कि रहेगा 2/3 πr³। तो रेडियस यहाँ पर आपका ऑलरेडी आ चुका है 5.25, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप कर सकते हो 2/3 × 22/7 जो कि पाई का वैल्यू होगा, उसके बाद जो कि है आर क्यूब मीन्स 5.25 का क्यूब यहाँ पर आपका होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका जो कि आंसर आएगा 303 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें हम इसको लीटर में जब लिखेंगे 303 सेंटीमीटर क्यूब जो कि है इसमें हम 1000 का डिवाइड कर देंगे तो आंसर में यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.303 लीटर इसका कैपेसिटी हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मिल्क जो कि है आप रख सकते हो इस हेमिस्फेरिकल बाउल में। ठीक है, नेक्स्ट होगा
स्फीयर से रिलेटेड है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो कि पूछा गया है, जो कि इसका सरफेस एरिया दिया गया है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 4πr2। 4πr2 जो कि इसका दिया गया है 154। तो यहाँ पर हम r निकालेंगे, r इक्वल टू हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 4π। ओके, तो इसको जब हम निकालते हैं क्या होगा, देखो r इक्वल टू हो जाएगा 154, 4π है तो 4 मल्टीप्लाई 22, ऊपर यहाँ पर आपका 7 मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से यहाँ पर हम 2 से काटते हैं, 2 7 जब 14, 2 2 जब 4, उसके बाद 11 से यहाँ पर हम काट लेंगे, तो 11 से यहाँ पर हम काटेंगे तो क्या होगा, 11 7 जब 77, 11 2 जब 22। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 49/4 आएगा, जो कि यहाँ पर आपका स्क्वायर है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका 4πr2 जो कि था उसमें आपका फॉर्मूला में, तो यहाँ पर आपका आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 49/4, तो आपका जो कि है आर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर आपका 7/2। ओके, तो ये आपका आर का वैल्यू आ गया। आपको पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3πr³ होता है, तो आर का वैल्यू हमारे पास है 7/2। ओके, तो यहाँ पर आपका देख सकते हो 4/3π का वैल्यू है 22/7, तो यहाँ पर आपका 7/2 का क्यूब होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सोल्यूशन जो कि रहेगा, इसमें हम 7/2 को 3.5 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर जो कि आ जाएगा इसको सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद 179/2/3 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मूला होगा। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड है। इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट गिविन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स आर रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 15 स्टूडेंट्स जो कि है मैथमेटिक्स टेस्ट को जो है दिए हैं, तो यहाँ पर उनका मार्क्स दिया गया है। ओके, यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डाटा, तो आपको निकालना है मीन मीडियन एंड मोड। ओके, तो टोटल जो कि है 15 स्टूडेंट जो कि है टेस्ट को दिए हैं, तो मीन यहाँ पर कैसे निकालेंगे, जो भी यहाँ पर आपका मार्क्स है सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे, तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मीन्स यहाँ पर आपका सारे मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 15 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सारे नंबर को जब आप ऐड करेंगे इसका मार्क्स को, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 822 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि 15 है, तो यहाँ पर आपका मीन आ जाएगा 54.8। ओके, तो मीन का यहाँ पर आपका फार्मूला रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मीन आएगा 54.8, उसके बाद हमें मीडियन निकालना है। ओके, तो मीडियन के लिए यहाँ पर आपका क्या होगा, मीडियन के लिए जो कि यहाँ पर आपका जो भी मार्क्स सभी को जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो कि आपको यहाँ पर करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपका एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 15, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे तो 15 जो कि यहाँ पर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, टोटल नंबर 15 स्टूडेंट्स है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, जैसे कि ये ऑड नंबर है तो 15+1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 8th ऑब्जर्वेशन जो कि इसका मीन होगा, मीडियन होगा। ओके, तो मीडियन यहाँ पर आप देख सकते हो 8th नंबर ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आपका 52 जो कि है इसका जो कि है मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो 52 यहाँ पर आपका 8 नंबर प्लेस है जो कि नंबर है, तो 52 इसका मीडियन आ जाएगा। उसके बाद जो कि है मोड, मोड जो कि क्या होता है, मोड ऑफ डाटा इज द ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इन डाटा, तो यहाँ पर जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम है वो जो कि आपका हो जाएगा मोड। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 52 जो कि है मैक्सिमम टाइम है जो कि 3 टाइम्स है, तो इसका जो कि मोड आ जाएगा 52 इसका मोड आ जाएगा। आया समझ ये क्वेश्चन आपको। ओके, सो नेक्स्ट होगा द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो कि रहेगा सारे असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आपका अरेंज हुआ है, और इसका मीडियन जो कि यहाँ पर दिया गया है 63, और वैल्यू ऑफ एक्स जो कि यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें जो कि टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है,
तो इसका मीडियन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो मीडियन जो कि रहेगा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टू होगा। ओके, तो फिफ्थ नंबर ऑब्जर्वेशन जो कि है एक्स है, प्लस सिक्स नंबर जो कि रहेगा एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू 63, जो कि यहाँ पर आपका मीडियन ऑलरेडी दिया गया है। तो एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू 63, ये आपका गिवन है 63। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई टू होगा इक्वल टू 63। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो टू एक्स प्लस टू में यहाँ पर आपका टू कॉमन होगा, तो एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू 63 होगा। तो टू टू यहाँ पर आपका कट जाएगा, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू 63 होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 62। तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू पूछा गया जो कि 62, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, जब यहाँ पर आपका इवन नंबर होता है तो आपको जो कि 10 यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा, तो उसका पहले मीन लेना है, उसके बाद मीन प्लस वन जो कि आपका टर्म होगा उसको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टू यहाँ पर आपका मीडियन आ जाएगा, तो x का वैल्यू 62 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोड, तो यहाँ पर जो कि आपको मोड निकलना है, तो मोड के लिए जो कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो कि आपको अरेंज करना है, तो उसके बाद जो कि आप क्या देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा नंबर रहेगा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम देखेंगे तो 14 रहेगा, जो कि 4 टाइम्स यहाँ पर आपका रहेगा, तो इसका जो कि है मोड आ जाएगा 14। आया समझ ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट होगा आपका प्रोबेबिलिटी से रहेगा दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम लाए थे। तो यहाँ पर पूछा गया है इन ए क्रिकेट मैच बैट्स ओमेन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स सी प्लेज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो यहाँ पर जो कि एक बैट्स ओमेन जो कि रहेंगे 6 टाइम जो कि है बाउंड्री जो कि है मारे हैं 30 बॉल से। ओके, तो यहाँ पर जो कि देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ बॉल जो कि है फेस की है 30 एंड हिट जो कि हुआ है 6। तो यहाँ पर हम डिड नॉट हिट यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो कि 24 डिड नॉट हिट। यहाँ पर आपको पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर आपको पूछा है कि डिड नॉट हिट, तो टोटल जो कि है 24 जो कि बॉल जो कि है डिड नॉट हिट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी जब निकाल लेंगे डिड नॉट हिट का, टोटल जो कि है 24 डिड नॉट हिट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल जो कि है 30 है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 6 4 24 6 5 30, तो 4/5 इसका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिड नॉट हिट। आया समझ ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू कितना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका आंसर जो कि हो जाएगा 1। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, यह होगा 0, कैन नॉट हैपन का होगा 0, सच एज इवेंट इज कॉल्ड, तो इस टाइप का इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट होगा, ठीक है। इस टाइप का इवेंट को जो कि है इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। सो नेक्स्ट होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, तो इसका जो कि आंसर होगा 1। किसी इवेंट का जो कि है प्रोबेबिलिटी जो कि होना कितना होता है, 1 होता है, और इस टाइप का इवेंट को जो कि है बोलते हैं सियोर इवेंट, मीन्स सियोर कुछ तो होगा वहाँ पे, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा एंड इस टाइप का इवेंट को बोलेंगे सियोर इवेंट। नेक्स्ट होगा द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, तो सम ऑफ द जो कि रहेगा प्रोबेबिलिटी जो कि होगा इसका आंसर भी 1 होगा। ओके, सो नेक्स्ट होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें आपका आंसर होगा 0। किसी भी इवेंट का जो कि है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ओके, नेक्स्ट होगा, सो दोस्तों ये क्वेश्चन जो कि आपका 2022 में पूछा गया था दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपका ई जो कि रहेगा 0.05 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो कि यहाँ पर आपका होता है 1 होता है,
तो आपको नॉट ई पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उस वीडियो में आप देख सकते हो। तो 1 माइनस 0.05, इसका आंसर आ जाएगा 0.95। तो ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से ही पूछा गया है दोस्तों, जो भी आपका पिछले ईयर में, यहाँ पर आप देख सकते हो नॉट ई रहेगा 0.95। ओके नेक्स्ट होगा, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। तो एक जो कि बैग रहेगा दोस्तों, एक बैग जो कि है, इसमें क्या है, 3 जो कि रेड बॉल होगा। ओके तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका 3 रेड बॉल रहेगा, उसके बाद क्या है, 5 जो कि यहाँ पर ब्लैक बॉल है। ओके तो यहाँ पर आप 5 जो कि ब्लैक बॉल, 1 2 3 4 5 जो कि है ब्लैक बॉल है। पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन दैट इज, यहाँ पर आपका 1 है रेड, तो रेड आने का जो है कितना प्रोबेबिलिटी होगा। ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 जो कि यहाँ पर आपका रेड बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी जो कि यहाँ पर आपका रहेगा जो कि 3 होगा। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ बॉल जो कि है उस बैग में 8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो कि है आना, जो कि यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मीन्स यहाँ पर आपका 3 यहाँ पर आपका रेड बॉल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम जो कि है 8 है, तो 3/8 जो कि यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। उसके बाद क्या पूछा गया, नॉट रेड, तो नॉट रेड यहाँ पर आपका क्या होगा, रेड प्लस नॉट रेड जो कि यहाँ पर आप कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड यहाँ पर आपका है 3/8 प्लस नॉट रेड जो कि यहाँ पर आपका होगा, नॉट रेड यहाँ पर आप जब निकालेंगे इक्वल टू 1 होगा, तो नॉट रेड जो कि रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड 1 माइनस 3/8 होगा, तो इसका आंसर जो कि आपका आ जाएगा 8 माइनस 3/8, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5/8, तो नॉट रेड का हो जाएगा 5/8। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर जो कि रहेगा 5/8 होगा नॉट रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो एक जो कि है डाई रहेगा, इसको जो कि है थ्रो किया गया। ओके फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो इसमें जो कि आपका नंबर्स रहता है 1 से लेकर 6 तक होता है। ओके तो 1 2 3 4 5 6 होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्राइम नंबर का आना कितना प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें से प्राइम नंबर क्या क्या है आपको देखना है, पहले 2 है 3 है एंड 5 है, तो टोटल जो कि यहाँ पर आपका 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर जो कि रहेगा 3 है डिवाइडेड बाई टोटल 6 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 3 यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा प्राइम नंबर का आना। उसके बाद जो कि यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नंबर ऑफ लाइंग बिटवीन 2 to 6, तो 2 to 6 में जो कि यहाँ पर आपका कौन कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर हम देखेंगे 2 और 6 के बीच में जो कि 3, 4 एंड 5 आएगा, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी जो कि रहेगा 3 नंबर डिवाइडेड बाय 6 टोटल है, तो 1/2 इसका भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ओके उसके बाद जो कि पूछा गया जो कि एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ऑड नंबर यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑड नंबर 1 है 3 है एंड 5 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑड नंबर का जो कि टोटल 3 नंबर है डिवाइडेड बाय 6, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/2। आया समझ ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था दोस्तों आपका 2022 का बीएड एंट्रेंस में। ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ताश के पत्ते में जो कि आपका 52 कार्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक किंग जो कि यहाँ पर आपका रेड कलर का आना कितना प्रोबेबिलिटी रहेगा, तो रेड कलर का किंग जो कि है कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 ब्लैक का होगा 2 रेड का होगा, तो यहाँ पर रेड कलर का आना कितना होगा, 2 यहाँ पर आपका होगा डिवाइडेड बाय टोटल कितना कार्ड है 52,
तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 2/52। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका आंसर का जो कि होगा 1 का आंसर 2/52 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर जो कि यहाँ पर आपका रहेगा किंग ऑफ रेड कलर, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि रहेगा 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो कि 52 होगा। तो इसमें हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर आपका 26 में कट हो जाएगा, तो 1/26 जो कि इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा गेटिंग ए रेड किंग ऑफ रेड कलर। नेक्स्ट आपका रहेगा ए फेस कार्ड, ए फेस कार्ड आना कितना इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो फेस कार्ड यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका टोटल जो कि यहाँ पर फेस कार्ड होता है 12। ओके, तो टोटल यहाँ पर आपका 12 फेस कार्ड है, तो 1 फेस कार्ड जो कि आना एक 12/52 होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसको जब काटेंगे 2 6 12 और 2 2 4 एंड 2 6 12। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 से भी कटेगा, 2 3 6 एंड 2 13, तो इसका जो कि प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 3/13 इसका आ जाएगा ए फेस कार्ड आने का। ठीक है, नेक्स्ट होगा ए रेड फेस कार्ड, रेड टाइप का फेस कार्ड आने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो फेस कार्ड जो कि यहाँ पर आपका 12 होता है, जो कि एक एक आपका मतलब टाइप में जो कि आपका 3 फेस कार्ड होता है, तो यहाँ पर रेड जो कि होगा, रेड में 2 टाइप का रेड है, तो यहाँ पर आपका 3 3 दोनों में होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो रेड फेस कार्ड आने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, तो 6/52 यहाँ पर आपका 52 आ जाएगा। ओके, तो 6/52 यहाँ पर हम करेंगे तो क्या होगा, 2 से यहाँ पर आप काट सकते हो, 2 3 6 एंड 2 26, तो 3/26 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा ए रेड फेस कार्ड आने का। उसके बाद देखो द जैक ऑफ हार्ट यहाँ पर आपका आने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, हार्ट का जो कि जैक आने का, तो यहाँ पर आपका हार्ट में कितना जैक होगा, 1 ही होगा, तो 1/52 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, ए स्पेड आने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, तो टोटल जो कि यहाँ पर हम देखेंगे तो 13 होता है, तो 13/52 हो जाएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट होगा द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड का जो कि क्वीन आने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, 1 होगा। ओके, तो 1/52 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ ये सारे क्वेश्चंस आपको? ओके, तो यहाँ पर आपका सारे आंसर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जो कि फेस कर जो कि यहाँ पर आपका 12 होता है, तो 12/52 हो जाएगा। उसके बाद जो कि यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ रेड फेस का जो कि 6 होता है, टोटल नंबर ऑफ जैक जो कि यहाँ पर आपका रहेगा 1/52। उसके बाद जो कि टोटल नंबर ऑफ स्पेड जो कि रहेगा 13 होगा, तो 13/52 जो कि 1/4 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वीन जो कि रहेगा डायमंड का 1, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो कि रहेगा 1/52 यहाँ पर आपका आ जाएगा। आया समझ ये सारे क्वेश्चन आपको? ओके, सो दोस्तों नेक्स्ट होगा ए चाइल्ड हैज ए डायर हुज 6 फेसेस सो द लेटर्स एज द गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक डाई का जो कि रहेगा 6 फेसेस का यहाँ पर आपका दिया गया है सारे लेटर्स। द डाई इज थ्रोन वंस, डाई को जो कि है 1 बार जो कि है थ्रो किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड यहाँ पर आपका सेकेंड है डी। तो ए आने का प्रोबेबिलिटी कितना है और डी आने का प्रोबेबिलिटी कितना है पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इस डाई में जो कि है 2 टाइम जो कि है ए रहेगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो कि हो जाएगा 2 एंड टोटल नंबर जो कि यहाँ पर आपका रहेगा, टोटल नंबर ऑफ जो कि फेसेस है 6, तो 2/6 इसका आ जाएगा ए आने का चांसेस, तो 1/3 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका डी जो कि है, डी का यहाँ पर हम देखेंगे तो डी जो कि है 1 टाइम है, तो 1/6 जो कि यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी जो कि होगा 1/6। ओके, नेक्स्ट होगा यहाँ पर आपका टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्किल जो कि है न्यूमेरिकली इक्वल है, तो पेरीमीटर ऑफ द सर्किल क्या होता है, जो कि आपका पेरीमीटर क्या आपका सर्कमफेरेंस होगा। ओके, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr यहाँ पर आप बोल सकते हो, उसके ये जो कि इक्वल होगा
एरिया ऑफ द सर्किल में, ओके तो एरिया जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको जो कि है रेडियस पूछा गया है, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो यहाँ पर आपका पाई कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर वन आर, यहाँ पर आपका ये वन आर कट जाएगा इसका, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो टू इक्वल टू आर, तो यहाँ पर आपका टू यूनिट जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आर का वैल्यू। आया समझ ये क्वेश्चन आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो आर का जो कि वैल्यू आएगा टू यूनिट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ओके तो यहाँ पर जो कि आपको इस सर्किल का जो कि यहाँ पर आपका क्वाड्रेंट का एरिया यहाँ पर आपको निकालना है, और इसका सर्कमफेरेंस जो कि आपका दिया गया है 22, तो सर्कमफेरेंस का यहाँ पर हम फार्मूला यहाँ पर पुट करते हैं 2πr = 22, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा आर मिलेगा, तो आर का वैल्यू हम निकालते हैं 22 / 2π, तो 2π का यहाँ पर हम पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो 22 / 2 यहाँ पर आपका हो जाएगा 22, ऊपर जो कि आपका 7 आएगा, तो 22 से 22 यहाँ पर आपका कट जाएगा, तो 7/2 जो कि यहाँ पर आपका आ जाएगा आर का वैल्यू। ओके तो आर का वैल्यू हमें मिल गया है 7/2, तो हमें एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट जो कि हमें निकालना है, तो इसका जो कि फार्मूला होगा θ/360 / πr², ठीक है, तो थीटा का वैल्यू हम पुट करेंगे 90 / 360 / πका वैल्यू 22/7 एंड यहाँ पर आपका आर स्क्वायर है, तो आर का वैल्यू हम पुट करेंगे 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 49/4। ओके तो अभी इसको हम कट करेंगे, तो 90 से यहाँ पर आपका 360 कर जाएगा 4 से, उसके बाद जो कि 7 × 7 = 49 हो जाएगा, उसके बाद आप कट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपका रहेगा 22 यहाँ पर आपका है उसके, ओके इसको हम मिटाते हैं, 22 यहाँ पर है और यहाँ पर है 7, ओके तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका 4 है एंड यहाँ पर आपका 4 है, तो 22 × 7 / 4 / 4, तो 2 से हम कट करेंगे 2 यहाँ पर आपका 11, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर अभी जो कि है और कोई ऐसी कमान नहीं होगा काटने के लिए, तो 11 × 7 = 77 / 4 × 2 = 8, तो 77/8 जो कि इसका आ जाएगा क्वाड्रेंट का जो कि एरिया 77/8, तो यहाँ पर आप प्रोसेस देख सकते हो क्वाड्रेंट का जो कि यहाँ पर आपका फॉर्मूला रहेगा θ/360 × πr² होगा, तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो सारी चीज़, तो 77/8 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट होगा, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपका मिनट हैंड का जो कि लेंथ दिया गया है 14 सेंटीमीटर, मीन्स इसका जो कि है रेडियस है, तो आर का वैल्यू है 14, फाइंड द एरिया स्विप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना एरिया जो कि स्विप्ट करेगा यहाँ पर आपका पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका एक सेक्टर जो कि एक सेक्टर का ही एरिया पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें जो कि है कितना एंगल जो कि होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो टोटल जो कि यहाँ पर आपका 30 डिग्री जो कि एंगल होगा, जब मिनट हैंड 5 मिनट मूव करता है तो 30 मिनट होता है। ओके तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला पुट करेंगे θ/360 × πr², तो थीटा का वैल्यू में हम 30 यहाँ पर पुट करेंगे, ओके पाई आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 30 / 360 / πका वैल्यू 22/7 हम यहाँ पर हम यूज करेंगे, एंड आर स्क्वायर जो कि रहेगा आर का वैल्यू जो कि यहाँ पर आपका रहेगा 14, तो 14 × 14 यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा देखो, यहाँ पर आपका 3 से यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा, उसके बाद देखो हम कट करेंगे जैसे कि यहाँ पर आपका होगा 7 से यहाँ पर आपका कट करेंगे 7 × 2 = 14 होगा, उसके बाद 2 × 1 = 11, 2 × 6 = 12, उसके बाद जो कि यहाँ पर आपका 14 है यहाँ पर आपका 2 × 3 = 6 भी कट कर सकते हो, तो 11 × 14 / यहाँ पर आपका 3 नीचे आएगा, तो 11 × 14 / 3 तो ये कुछ आएगा, तो 14 × 1 = 14 + 1 154 / 3,
तो इसमें हम क्या आएगा इसका, तो 154 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पर इसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर जो कि रहेगा 154 डिवाइडेड बाई 3 जो कि इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द नंबर यहाँ पर जो कि रहेगा इसको कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका नंबर है 5869 5376। ओके, तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, थ्री नंबर को छोड़ के कॉमा यूज करना है, थ्री नंबर को छोड़ के उसके बाद दो नंबर, उसके बाद दो नंबर। तो इस तरीके से जो कि है इंडियन नंबर सिस्टम में जो कि है नंबर को लिखा जाता है। तो पहले थ्री, उसके बाद टू, उसके बाद टू। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर जो कि हो जाएगा 3 2 2। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा जो कि रोमन न्यूमरल्स का जो कि इनकरेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर जो कि आंसर जो कि आपका रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर का इनकरेक्ट है। तो रोमन न्यूमरल्स के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में जान लेते हैं, बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट रहेगा इसका। ओके, तो रोमन न्यूमरल्स में जो कि यहाँ पर हम देखेंगे तो फर्स्ट आपका रहेगा आई, उसके बाद V, X, उसके बाद होगा D, L होगा, यानी यहाँ पर आपका रहेगा C होता है। तो ये सारे जो कि यहाँ पर आपका सिंबल जो कि यूज होता है। तो I का वैल्यू यहाँ पर हम देखेंगे तो दोस्तों I का वैल्यू होगा 1। ओके, I का वैल्यू यहाँ पर आपका 1 होगा, V का 5 होगा, X का 10 होगा, D का होगा 50, C का 100 होगा, एंड L सॉरी यहाँ पर आपका डी का होगा यहाँ पर आपका 500। ठीक है, सी का होगा 100 एंड एल का होगा 50। तो ऐसे सारे नंबर्स होता है। यहाँ पर रूल्स यहाँ पर आपको देखना है, रूल्स क्या होता है, रूल नंबर वन। तो रूल नंबर वन क्या होगा, जब एक छोटा नंबर बाद में होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर आप देख सकते हो L और X, L जो कि L का हम बताए थे आपको 50, X का जो कि है 10 है। जब छोटा नंबर जो कि यहाँ पर आपका राइट साइड में होता है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका 60 आ जाएगा। तो इसका जो कि आप जब चेंज करेंगे, कन्वर्जन करेंगे मतलब हिंदू अरबिक में, तो इसका आंसर आ जाएगा 60। तो ऐसे जो कि ये रूल नंबर वन होता है। ओके, रूल नंबर टू क्या होगा, देखो रूल नंबर टू में क्या होगा, जब आपका छोटा नंबर जो कि है पीछे होगा, छोटा नंबर जब पीछे होगा, जैसे कि आई भी एक नंबर है, तो ये छोटा नंबर पीछे है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, वी जो कि होता है 5, तो यहाँ पर आपका छोटा नंबर जो कि है माइनस हो जाएगा, 5-1 जो कि है 4 हो जाएगा। तो आई भी का वैल्यू जो कि है 4 होता है, तो ये आपका रूल नंबर 2 है। ठीक है, रूल नंबर थ्री क्या होगा दोस्तों, जब छोटा नंबर जो कि है दो नंबर का मिडिल में होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो XIX। तो यहाँ पर देखो छोटा नंबर दो नंबर का बीच में है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये नंबर और ये नंबर को हम ऐड करेंगे, तो X प्लस एक्स जो कि आपका रहेगा 20 हो जाएगा, 10+10 यहाँ पर -1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 19, XIX का वैल्यू होगा 19। तो ये आपका रूल नंबर 3 है। उसके बाद क्या होगा, कुछ जो कि यहाँ पर आपका सिंबल जो कि है रिपीटेशन नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर आपका सारे सिंबल जो कि हम लिखते हैं आई वी एक्स डी सी एल, तो ये सारे नंबर में से जो कि आपका रिपीटेशन कौन कौन सा नंबर हो पाता है, आई होता है रिपीटेशन, उसके बाद एक्स होता है, उसके बाद जो कि यहाँ पर आपका सी होता है, बट बाकी जो कि रह गया ये रिपीटेशन कभी नहीं हो सकता है। जैसे कि वी, यहाँ पर आपका वी नहीं होगा रिपीटेशन, एल नहीं होगा एंड डी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम आपको बोलना चाहते हैं कि देखो आपका इनकरेक्ट जो कि पूछा गया था आई एक्स जो एंड सी जो कि आप रिपीटेशन हो सकता है, यहाँ पर हम देखे हैं तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आप देखोगे एल का जो कि रिपीटेशन हुआ है यहाँ पर, तो ये जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो कि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ओके, तो बाकी का भी आप लिख सकते हो, जो कि L का 50 होता है,
50 प्लस एक्स का 10 प्लस 10 तो इसका आंसर आ जाएगा 70। अब जब हिंदू अरेबिक में इसको कन्वर्ट करेंगे उसके हिसाब से इसका भी आप लिख सकते हो कि एल होता है 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 तो ये आपका हो जाएगा 80 हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद और एक रूल यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर रिपीटेशन हो रहा है ये जो कि नंबर जो कि है मैक्सिमम 3 टाइम जो कि रिपीट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 3 टाइम। जैसे कि यहाँ पर आपका x जो कि है 3 टाइम जो कि रिपीटेशन हुआ है, तो केसेस जो कि यहाँ पर आपका सिंबल जो कि रहेगा 3 टाइम जो कि है रिपीटेशन हो सकता है। आया समझ आपका रोमन नंबर का सारे जो कि आपका फंडा था। ओके, नेक्स्ट रहेगा द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ 999। तो 999 का जो कि आपको प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर का जो कि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सक्सेसर जो कि होगा आपको प्लस 1 करना है सक्सेसर के लिए तो 1000 हो जाएगा, प्रीडिसेसर के लिए आपको माइनस 1 करना है 999 का, माइनस 1 करेंगे तो 998 आ जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आपका आ जाएगा 99, यहाँ पर आपका 998000 यहाँ पर आपका आ जाएगा इसका प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर ऑलवेज। तो यहाँ पर आपका एक नॉन जीरो होल नंबर एंड उसका सक्सेसर का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेके समझते हैं। तो मान लीजिए एक नॉन जीरो होल नंबर जो कि 3 है, इसका सक्सेसर क्या होगा 4 होगा, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और एक इसमें हम लेते हैं जैसे कि 4 है एक होल नंबर, इसमें हम इसका सक्सेसर में इसका मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 5, तो इसका हो जाएगा 20। और एक कर लेते हैं जैसे कि मान लीजिए 1 है, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑलवेज क्या होगा एन इवन नंबर, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे जो कि है इवन नंबर ही आ रहे हैं, तो ये सही है। एंड ऑड नंबर, तो यहाँ पर किसी में आप ऑड नंबर नहीं पाएंगे, तो ये आपका नहीं होगा, बी नहीं होगा। ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऑलवेज नहीं होगा दोस्तों, डिविजिबल बाय 3 ये भी ऑलवेज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एन इवन नंबर, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आ गया समझ आपको ये नंबर। नेक्स्ट होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि है ट्रू नहीं है। 0+0 जो कि है 0 होता है, 0-0 भी 0 होगा, 0+0 भी 0 होगा। बट यहाँ पर हम देखेंगे तो डी, तो 0/0, तो ऐसा कुछ जो कि यहाँ पर आपका नॉट डिफाइन होता है। ओके, तो 0/0 की यहाँ पर आपका नॉट डिफाइन होगा, तो ये आपका नॉट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट होगा सम द नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 16-80 एंड 90-100। तो यहाँ पर आपका 16 से लेकर 80 के बीच में जो भी प्राइम नंबर है एंड 90 से लेकर 100 के बीच में जो भी प्राइम नंबर है, टोटल कितना यहाँ पर आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो लिखते हैं दोस्तों, तो 16 से लेकर 80 तक क्या क्या यहाँ पर आपका प्राइम नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पर आपका 17, 19 होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा 23, 29, 31 होगा, उसके बाद आपका 37 आएगा, 41 आएगा, 43, 47, उसके बाद आपका आ जाएगा 53 आ जाएगा, 59 आ जाएगा, 61, 67, उसके बाद आपका आ जाएगा 71, 71 के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 73 एंड 79। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 16 से लेकर 80 के बीच में आपका 16 प्राइम नंबर आ जाएगा 16। तो यहाँ पर आपका देख सकते हो, उसके बाद 90 से लेकर 100 के बीच में जो कि आपका रहेगा एक प्राइम नंबर 97 एक प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर आपने देखे तो टोटल 17 प्राइम नंबर आपका आ जाएगा, टोटल सम करके यहाँ पर हम चेक करेंगे तो 1 से लेकर 100 के बीच में आपको पूछा है तो कितना होता है 25 प्राइम नंबर होता है। सो नेक्स्ट होगा इफ द नंबर, यहाँ पर एक नंबर जो कि रहेगा, यहाँ पर एक नंबर जो कि मिसिंग है इज डिविजिबल बाय 24 द डिजिट एट द स्टार इच। तो यहाँ पर आपका स्टार में कौन सा डिजिट आएगा जो कि ये नंबर जो कि है 22 से डिविजिबल होगा। ओके,
तो 22 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पर आपका कंडीशन क्या रहेगा दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई 11 मीन्स ये नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 का डिविजिबिलिटी क्या है, इसका जो कि यूनिट डिजिट में जो कि यहाँ पर आपका 0, 2, 4, 6, 8 यहाँ पर आपका रहेगा, तो ये नंबर जो कि है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट की 8 है तो ये नंबर तो 2 से हो जाएगा। अभी हमें जो कि 11 का चेक करना है। ओके, तो 11 का जो कि है क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, जो कि सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, जो कि यहाँ पर हम करेंगे ये आपका 0 होगा या फिर 11 का एक मल्टीपल होगा तो जो कि ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं जो कि सम ऑफ इवन प्लेस या फिर ऑड प्लेस जो कि आप कर सकते हो उसका आपको सबट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं 7+5+*+8 माइनस करेंगे यहाँ पर आपका 2+4+9 ये आपका 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा, 11 होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20+*-11 इक्वल टू यहाँ पर आप देख सकते हो 0 और 11। तो यहाँ पर हम 20-15 करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 होगा, तो 5+*=0 और 11, तो स्टार का वैल्यू आपका आ जाएगा 11-5 करने से 6 होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका स्टार का वैल्यू में यहाँ पर हम 6 पुट करेंगे तो ये नंबर जो कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका जो कि यहाँ पर आपका 6 यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर इज, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर हम लिखते हैं रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, यहाँ पर हम रूट 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो कि क्या होगा, यहाँ पर आपका रूट 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इरेशनल नंबर आ रहा है, या फिर हम देखो रूट 2 को रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका 2 आ रहा है। तो ऑप्शन में यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑलवेज एन इरेशनल नंबर ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 तो इरेशनल नहीं होगा। ऑलवेज ए रेशनल नंबर ये भी तो नहीं होगा। ऑलवेज एन इंटीजर हर वक्त क्या इंटीजर आएगा ये भी नहीं होगा। समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर इज समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर रूट 2 इज, तो रूट 2 का जो कि है डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इसका वैल्यू जो कि होता है दोस्तों 1.41421, ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग नंबर रहेगा ये। ओके, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट देखो बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में यहाँ पर आपका क्या होगा, देयर इज नो रेशनल नंबर, देयर इज एग्जैक्टली 1 रेशनल नंबर, या फिर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर, एंड ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि देयर आर ओनली रेशनल नंबर एंड नो इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होता है, इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर जो कि है होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि दो रेशनल नंबर होगा 5, 6 है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके बीच में जो कि 5 और 6 के बीच में आप जब जाएंगे तो 5.1 आपका आएगा, 5.2, 5.22, 5.222 ऐसे बहुत सारे जो कि आप नंबर लिख सकते हो, इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर जो कि आपका आ जाएगा दो रेशनल नंबर के बीच में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट होगा एवरी रेशनल नंबर इज, हर रेशनल नंबर एक कौन सा नंबर होता है, ए नेचुरल नंबर, एन इंटीजर्स, ए रियल नंबर, ए होल नंबर। ओके, तो यहाँ पर जो कि हम देखें तो इसका राइट आंसर जो कि होगा ए रियल नंबर होता है। ओके, एवरी रेशनल नंबर जो कि एक रियल नंबर होता है। ओके, तो सारे नंबर जो कि है दोस्तों यहाँ पर आपका रियल नंबर से ही सारे जुड़े हुए हैं, तो रियल नंबर जो कि आपका रहेगा इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बाकी ऑप्शन का यहाँ पर आप देख सकते हो कि
नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो कि आपका रहेगा सारे काउंटिंग नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, यहाँ पर आपका जो भी नंबर होगा सारे नेचुरल नंबर हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो कि यहाँ पर हम देखेंगे तो इंटीजर्स, इंटीजर आपका जो कि रहेगा यहाँ पर आपका 0, 1, 2, 3 और इसके पीछे जो कि आपका रहेगा -1, -2, ये सारे जो कि आपका रहेगा इंटीजर्स यहाँ पर आपका हो जाएगा। ओके, तो इंटीजर्स में यहाँ पर आपका सारे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड ज़ीरो आ जाएगा, बट नेचुरल नंबर में सारे जो कि है पॉजिटिव नंबर आएगा विदाउट ज़ीरो, यहाँ पर आपका ज़ीरो भी इंक्लूड नहीं होगा नेचुरल नंबर में। उसके बाद जो कि यहाँ पर हम देखेंगे तो रियल नंबर में तो आपका इरेशनल और रेशनल सारे आ जाएगा, होल नंबर यहाँ पर हम देखेंगे तो 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, तो ये सारे जो कि आपका रहेगा सारे होल नंबर में आ जाएगा। इसमें आपका होल नंबर में नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होता है, तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं सारे चीज़। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रियल नंबर में यहाँ पर आपका आ जाएगा सारे रेशनल नंबर एंड सारे इरेशनल नंबर जो कि आपका रियल नंबर के अंदर में आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो ये आपका रहेगा रियल नंबर, रियल नंबर में आपका इरेशनल नंबर जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो √2, √3, पाई का तो आपका पूछा गया था 2022 में, पाई जो कि एक इरेशनल नंबर होता है, तो ये आपका होगा इरेशनल नंबर। उसके बाद जो कि यहाँ पर आपका रेशनल नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका रेशनल नंबर रहेगा। उसके बाद नेचुरल नंबर में यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आपका सारे नंबर होगा नेचुरल नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर यहाँ पर आपका होगा विदाउट ज़ीरो। होल नंबर में यहाँ पर आपका क्या होगा, सारे नेचुरल नंबर में जब आप जीरो को ऐड कर लेते हो तो ये आपका होल नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो होल नंबर में जब आप नेगेटिव नंबर को ऐड कर लेते हो तो आपका इंटीजर्स आ जाएगा। ओके, तो इंटीजर्स में यहाँ पर आपका रेशनल नंबर आपका ऐड हो जाएगा। तो सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटीजर्स की यहाँ पर आपका बना हुआ है होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इंटीजर्स में आपका माइनस नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर भी आपका आ जाएगा। ओके, और रेशनल नंबर जो भी यहाँ पर आपका देख सकते हो कि जो भी नंबर आप पी बाय क्यूब में आप लिख सकते हो तो वो सारे हो जाएंगे रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पर आपका क्यू जो कि है नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सैम्पल स्पेस यहाँ पर आपका रहेगा, यहाँ पर आपका एक सेट रहेगा जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, और यहाँ पर आपका इवेंट जो कि रहेगा 1, 3, 5 है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया देन नॉट ई जो कि यहाँ पर आपका क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो नॉट ई जो कि यहाँ पर आपको निकालने के लिए यहाँ पर आपका टोटल जो कि यहाँ पर आपका सैम्पल स्पेस रहेगा उसमें जो कि आप ई का जो कि माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नॉट ई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1, 2, 3, 1, 3, 5 जो कि यहाँ पर आपका कट हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर आपका 1, 3, 5 यहाँ पर आपका कट होने से 1, 3 और 5, तो 2, 4 और 6 जो कि यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा जो कि नॉट ई का आंसर जो कि आपका आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। यहाँ पर आपका दो क्वेश्चन रहेगा, 2 डाइस को जो कि हमें थ्रो करना है सेम टाइम में, तो सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस, तो दोनों डाइस में जो कि आपका सेम नंबर आना इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, एंड डिफरेंट नंबर ऑन द बोथ डाइस, तो डिफरेंट नंबर आना इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो सेम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या होगा, मतलब आपका डाइस में क्या होगा, 1 से लेकर 6 में होगा सारे। ओके, तो टोटल नंबर अब यहाँ पर हम आउटकम्स कितना होगा देखो, तो एक डाइस के लिए यहाँ पर आपका 6 होता है, तो दोनों डाइस के लिए यहाँ पर आपका जो कि हम देखेंगे 6 × 6 होगा, तो टोटल यहाँ पर आपका 36 जो कि यहाँ पर आपका आउटकम्स रहेगा। तो सेम नंबर आने का जो कि है प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो सेम नंबर का यहाँ पर हम देखेंगे तो 1, 1 आ सकता है दोनों में, या फिर 2, 2 आ सकता है, 3, 3, 4, 4, या फिर यहाँ पर आपका 4, 4, 5, 5, या फिर 6, 6 आ सकता है। तो ये सारे जो कि आपका सेम नंबर आ सकता है दोनों डाइस का, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कितना होगा, टोटल यहाँ पर आपका 6 है, तो 6/36 जो कि इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, जब इसको कट कर लेंगे तो 1/6 जो कि यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी होगा सेम नंबर आने का। तो यहाँ पर आपका डिफरेंट नंबर यहाँ पर आपका पूछा गया है,
तो डिफरेंट नंबर के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आपको माइनस करना होगा वन से, वन माइनस सिक्स बाय 36 आप कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका 36 नीचे आ जाएगा, तो 36 माइनस 6, तो यहाँ पर हम करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 36 होगा। ओके, तो इसको आप कट कर सकते हो, जैसे कि 3 से करने से 310 और 312, उसके बाद 2 से करने से 2526, तो इसका जो कि आपका आ जाएगा 5/6 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा डिफरेंट नंबर ऑन द बोथ द डाइस। तो यहाँ पर आपका आंसर भी देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी जो कि यहाँ पर आपका रहेगा वहाँ पर, यहाँ पर आपका 1/6 होगा एंड यहाँ पर आपका डिफरेंट जो कि रहेगा 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इच। तो यहाँ पर जो कि देख सकते हो कि एक सर्किल होगा, उसके अंदर में जो कि एक स्क्वायर होगा एंड इसमें जो कि रेडियस दिया गया है इस सर्किल का, मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका जो कि डायगोनल जो कि हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा डायगोनल, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका डायमीटर होगा, तो इसका रेडियस जो कि 8 है तो डायमीटर कितना होगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर जो कि होगा इंस्क्राइब इन ए सर्किल, तो इसका फार्मूला जो कि होगा दोस्तों, यहाँ पर हम एरिया ऑफ द स्क्वायर जो कि होगा डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो डायगोनल यहाँ पर आपका कितना है 16 है, तो 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर जो कि आपका 256 होता है डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4 एंड 2 एट ज़ा 16, तो यहाँ पर आपका 128 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि इसका एरिया ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ द स्क्वायर का जो कि यहाँ पर आपका फार्मूला होगा डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो ये सारे फार्मूला यूज करके। ओके, और एक नंबर यहाँ पर हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका रहेगा द एरिया ऑफ द सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो कि आपको सर्किल का एरिया निकालना है जो जो कि एक स्क्वायर के अंदर में रहेगा। ओके, तो यहाँ पर एक सर्किल रहेगा, इसका उल्टा होगा जो भी अभी किए हैं। ओके, तो इसमें जो कि आपका स्क्वायर का साइड जो कि है 6 सेंटीमीटर रहेगा, तो ये आपका 6 है, ये आपका 6 है। ओके, जब हम देखो इसका डायमीटर को ऐड कर लेंगे तो ये भी 6 होगा ना, तो डायमीटर 6 है तो इसका जो कि है रेडियस कितना होगा 3 होगा, और यहाँ पर जो कि आपको पूछा गया है एरिया, एरिया के लिए क्या होता है इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू यहाँ पर हम पाई ही लिखेंगे, ठीक है, तो पाई मल्टीप्लाई आर, आर का वैल्यू 3 है तो 3 3 9, तो 9 पाई। ओके, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ द सर्किल, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 256 मीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। तो एक क्यूब होगा जिसका जो कि यहाँ पर आपको लेटरल सरफेस एरिया जो कि आपका दिया गया है। ओके, तो लेटरल सरफेस एरिया जो कि होता है दोस्तों, इसका जो कि फार्मूला होता है 4a स्क्वायर, यहाँ पर आपका टोटल सरफेस एरिया दिया गया होता तो 6a स्क्वायर यहाँ पर आपको लेना होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए 4a स्क्वायर इक्वल टू 256 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम a स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा 256 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर हम a निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इस साइड में आपका रूट ओवर हो जाएगा, तो a का वैल्यू जब आप निकालेंगे a इक्वल टू 256 बाय 4 का रूट ओवर, तो यहाँ पर आपका 16 बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8, तो a का वैल्यू आ गया 8। अभी आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो a का वैल्यू यहाँ पर आपका आ गया है 8, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो कि आपका फार्मूला होगा a क्यूब होता है, तो 8 का जो कि यहाँ पर आपका क्यूब हो जाएगा 512 जो कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सोल्यूशन। ओके, सो दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही था, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, इससे जो कि यहाँ पर आपका CUET BEd के लिए ये सारे क्वेश्चन जो कि आपका आने का चांसेस रहेगा इस टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है।
तो आज का वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा एंड आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।